तो आज हम जिन वेपन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन वेपन्स को यूज कर पाना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये वेपन्स किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए बनाए गए हैं, और वो गॉड और कोई नहीं बल्कि मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एंटिटीज में से एक गॉड ऑफ थंडर थॉर है। तो इस वीडियो के अंदर हम थॉर के उन 10 वेपन्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि थॉर के मोस्ट पावरफुल वेपन्स की लिस्ट में सबसे टॉप पर आते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरे एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इसके अलावा हमारी हेला वर्सेस गॉड द गॉड बुचर वाली वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोग अब ये पूछ रहे हैं कि क्या गॉड द गॉड बुचर थानोस और नल से भी ज्यादा पावरफुल है, और अब इन्हीं दोनों टॉपिक्स को लेकर हमें सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन आ रही है। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम इन दोनों टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो वीडियो गॉड वर्सेस थानोस होगी या फिर गॉड वर्सेस नल, ये आपको डिसाइड करना है। इसीलिए आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इन दोनों में से कौन से टॉपिक पर वीडियो देखनी है। इन दोनों में से जिस भी टॉपिक को लेकर ज्यादा कमेंट्स आएंगे हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। तो आइए अब इन सारी बातों को साइड करते हुए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, जाम जॉन। तो जान जॉन एसगार्डियन स्टील से बना एक बहुत ही पावरफुल एक्स है जिसे आयरन वियर भी कहा जाता है। इस पावरफुल एक्स को नेडेविलर के बोनो ने क्रिएट किया है, और थॉर म्योनिर से पहले इसी एक्स को एज अ प्राइमरी वेपन यूज किया करता था, लेकिन जब थॉर म्योनिर के लिए वर्दी हो गया तब उसने इस वेपन को यूज करना छोड़ दिया था। जान जॉन इतना स्ट्रॉन्ग वेपन है कि इससे फ्रॉस्ट जायंट्स को बड़ी आसानी से मारा जा सकता है, और थॉर इसका यूज करके अब तक बहुत से फ्रॉस्ट जायंट्स को मार भी चुका है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये वेपन इतना पावरफुल है कि एक वक्त पर ये एक सेलेस्टियल आर्मर तक को काट चुका है। नंबर 9, अल्टीमेट म्योनिर। तो अल्टीमेट म्योनिर मेन मार्वल यूनिवर्स का नहीं बल्कि अल्टीमेट यूनिवर्स का वेपन है, जहां पर इसे अल्टीमेट यूनिवर्स का थॉर यूज करता है। इस अल्टीमेट यूनिवर्स के थॉर का नाम थॉरलिफ गोलमैन होता है, जो कि पेशे से एक साइंटिस्ट होता है, लेकिन एक दिन उसे पता लगता है कि वो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं बल्कि एक नॉर्स गॉड है, जिसके बाद इस थॉर को अल्टीमेट म्योनिर मिलता है। अल्टीमेट म्योनिर का अपीयरेंस मार्वल कॉमिक्स में दिखने वाले स्टॉर्म ब्रेकर की तरह है, और ये वेपन इतना पावरफुल है कि ये थॉर को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट भी कर सकता है। साथ ही इस अल्टीमेट म्योनिर के ऊपर मेन मार्वल यूनिवर्स के म्योनिर की तरह कोई वर्दीनेस का एंचेंटमेंट भी नहीं है, जिस वजह से इसे कोई भी पावरफुल कैरेक्टर लिफ्ट कर सकता है। नंबर 8, थंडर स्ट्राइक। तो मार्वल कॉमिक्स में मेन टाइमलाइन के अंदर ही एक और गॉड ऑफ थंडर एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है एरिक मास्टरसन, और मार्वल कॉमिक्स में ये कैरेक्टर भी कुछ वक्त के लिए थॉर रह चुका है, और ये जिस वेपन को यूज करता है उसी वेपन का नाम है थंडर स्ट्राइक। थंडर स्ट्राइक भी म्योनिर की तरह एक हैमर ही है जो कि उरु मेटल से ही बना है, जिस वजह से ये म्योनिर जितना पावरफुल तो नहीं है लेकिन काफी पावरफुल है। और थंडर स्ट्राइक का यूज करके एरिक मास्टरसन का थॉर भी फ्लाई कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, और खुद को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। नंबर 7, मैग्नियोर, थॉर्स मैजिकल बेल्ट। तो मैग्नियोर थॉर की एक ऐसी मैजिकल बेल्ट है जिसे बेल्ट ऑफ स्ट्रेंथ भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी थॉर इस मैजिकल बेल्ट को पहनता है तब ये थॉर की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्टेमिना को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है। थॉर की मैजिकल बेल्ट एमसीयू में भी एग्जिस्ट करती है, और इसका रेफरेंस सबसे पहले हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर दिया गया था, जहां पर जब हैप्पी सारे आइटम्स को न्यू एवेंजर्स फैसिलिटी में शिफ्ट कर रहा था तभी उन आइटम्स को प्लेन में लोड करते हुए हैप्पी थॉर की इस मैजिकल बेल्ट को मेंशन करता है। थॉर की मैजिकल बेल्ट उसके बाकी के वेपन्स की तरह तो नहीं है जिनसे वो अपोनेंट पर अटैक कर सके, लेकिन ये बेल्ट इतने कमाल की है कि ये थॉर की पावर्स को एनहांस कर देती है, जिस वजह से थॉर पावरफुल से पावरफुल एनिमी से भी आराम से लड़ सकता है। और मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग ये बेल्ट थॉर को इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कि इसे पहनकर थॉर एक साथ कई प्लैनेट्स तक को मूव कर सकता है। नंबर 6, डिस्ट्रॉयर आर्म। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब थॉर अनवर्दी हो जाता है तब वो अपने म्योनिर का कोई यूज नहीं कर पाता, जिसके बाद जब थॉर का सामना मेलेकेथ और उसकी फ्रॉस्ट जायंट आर्मी से होता है तब थॉर उनसे लड़ते वक्त काफी कमजोर पड़ जाता है, और इसी बात का फायदा उठाकर मेलेकेथ और उसकी फ्रॉस्ट जायंट आर्मी थॉर के हाथ को काट देते हैं। पर आगे चलकर नेडेविलर के बोने थॉर के लिए एक आर्टिफिशियल आर्म बनाते हैं जो कि ब्लैक उरु से बना होता है, और फिर उस आर्टिफिशियल आर्म का नाम पड़ता है डिस्ट्रॉयर आर्म। ये डिस्ट्रॉयर आर्म उरु मेटल से बना होने की वजह से बेहद ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है, और इसीलिए थॉर इसे एक वेपन की तरह भी यूज करता है। नंबर 5, म्योनिर। तो थॉर का प्राइमरी वेपन म्योनिर एक पावरफुल वॉर हैमर है जिसे नेडेविलर के बोनो ने एसगार्ड की रॉयल फैमिली के लिए बनाया था। म्योनिर को थॉर की लाइटनिंग पावर्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, ताकि म्योनिर का यूज करके थॉर अपनी लाइटनिंग पावर्स को कंट्रोल और चैनल कर सके। बात करें म्योनिर की पावर्स की तो म्योनिर को होल्ड करने वाला इसकी हेल्प से फ्लाई कर सकता है, एनर्जी प्रोजेक्शंस कर सकता है, लाइटनिंग अटैक्स कर सकता है, और अगर म्योनिर का यूजर म्योनिर से दूर हो तो वो उसे अपने सोचने भर से ही अपने पास बुला सकता है। लेकिन इन सबके भी ऊपर म्योनिर को जो चीज सबसे खास बनाती है वो है म्योनिर पर लगा वर्दीनेस का एंचेंटमेंट। असल में म्योनिर के ऊपर वर्दीनेस का एक ऐसा एंचेंटमेंट है जिसकी वजह से म्योनिर को सिर्फ वही उठा सकता है जो कि म्योनिर को उठाने के लिए वर्दी हो, और इसी रीजन की वजह से इस वेपन को अब तक सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर्स उठा पाए हैं। एमसीयू से लेकर मार्वल कॉमिक्स तक म्योनिर बहुत ज्यादा पावरफुल है, और मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी थॉर ने जब जब गैलेक्टस, थानोस और सेलेस्टियल जैसे पावरफुल एंटिटीज का सामना किया है तब भी उनसे फाइट करने के लिए थॉर ने म्योनिर का यूज किया है।
नंबर 4 ओडिन स्वॉर्ड। तो ओडिन स्वॉर्ड ओडिन के मोस्ट पावरफुल वेपन्स में से एक है और इस पावरफुल स्वॉर्ड को द ओवर स्वॉर्ड ऑफ एसगार्ड भी कहते हैं। ये स्वॉर्ड इतना पावरफुल और डेंजरस वेपन है कि इसको लेकर ऐसा कहा जाता है कि ये स्वॉर्ड जिसके भी हाथों में होगी उसके पास पूरे मैनकाइंड को खत्म करने की ताकत होगी। और इसी रीजन की वजह से इस वेपन को ज्यादातर ओडिन के वॉल्ट में ही रखा जाता है ताकि ये वेपन किसी गलत हाथों में ना चली जाए। इस पावरफुल स्वॉर्ड का ट्रू पोटेंशियल हमें तब दिखाता जब मार्वल कॉमिक्स के अंदर फियर इटसेल्फ स्टोरी लाइन में थॉर ने इसका यूज सरपेंट के अगेंस्ट किया था। इस स्टोरी लाइन में ओडिन ये पावरफुल वेपन थॉर को देता है जिसके बाद थॉर एवेंजर्स के साथ मिलकर इस वेपन का यूज करके सरपेंट और उसकी आर्मी को हराता है। नंबर 3 गंगनीर। तो गंगनीर भी उरुमेटल से बना एक पावरफुल स्पीयर वेपन है जिसे एस्गार्ड के रूलर यूज करते हैं। गंगनीर बेसिकली ओडिन का प्राइमरी वेपन है और ओडिन से पहले गंगनीर को ओडिन के फादर बोर यूज करते थे और इस पावरफुल वेपन से बोर और ओडिन दोनों ने ही बहुत सी लड़ाइयां जीती है। बात करें गंगनीर की कुछ खास एबिलिटीज की तो गंगनीर का निशाना बहुत पक्का है। गंगनीर इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता है, लाइटनिंग प्रोजेक्शन कर सकता है और इसके अलावा गंगनीर एनर्जी ब्लास्ट करने में भी कैपेबल है। इन सब के भी ऊपर गंगनीर का यूजर इसे अपने माइंड से भी कंट्रोल कर सकता है और ये चीज गंगनीर को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है। नंबर 2 स्टॉर्म ब्रेकर। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर स्टॉर्म ब्रेकर एक पावरफुल हैमर है जिसे ओडिन ने बीटा रे बिल के लिए बनवाया था क्योंकि बीटा रे बिल ने थोर को हराने के बाद उसे जिंदा छोड़कर म्यूनिट के लिए अपनी वर्थीनेस को साबित किया था। पर वहीं बात करें एमसीयू की तो एमसीयू के अंदर स्टॉर्म ब्रेकर उरुमेटल से बना एक पावरफुल एक्स है जिसे एक न्यूट्रॉन स्टार के फोर्स से बनाया गया है। स्टॉर्म ब्रेकर अब तक का सबसे पावरफुल एसगार्डियन वेपन है और इसे सिर्फ एसगार्ड के किंग ही समन कर सकते हैं। स्टॉर्म ब्रेकर बायफ्रॉस्ट भी समन कर सकता है और इन्फिनिटी वॉर के अंदर थॉर इसी का यूज करके बैटल ऑफ वकांडा में अपनी एंट्री करता है। साथ ही इसी स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से थॉर 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को होल्ड करे हुए थानोस को भी ओवरपावर कर देता है। बात करें स्टॉर्म ब्रेकर की पावर्स की तो थॉर स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके फ्लाई कर सकता है, लाइटनिंग अटैक्स कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है और अगर थॉर चाहे तो स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके एनर्जी अटैक्स को डिफ्लेक्ट भी कर सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर के ऊपर म्यूनिट के जैसा कोई भी वर्थीनेस का एंचेंटमेंट नहीं है जिस वजह से इस वेपन को कोई भी पावरफुल कैरेक्टर उठा सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर खुद एक बहुत ही पावरफुल वेपन है और एक बार थॉर के हाथों में जाने के बाद ये थॉर के पावर्स को भी एम्प्लीफाई कर देता है। नंबर 1 नेक्रोसॉर्ड। तो नेक्रोसॉर्ड सिर्फ गौर का ही नहीं बल्कि कुछ समय के लिए थॉर का भी वेपन रह चुका है। नेक्रोसॉर्ड ओरिजिनली सिम्बियोट्स के गॉड नल का वेपन है और इसी नेक्रोसॉर्ड का एक छोटा सा पार्ट आगे चलकर गौर को मिलता है जिसके बाद गॉड ऑफ थंडर गॉड बॉम्ब स्टोरीलाइन के दौरान जब थॉर गॉड बॉम्ब के ब्लास्ट को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है तब उसके बाद वो नेक्रोसॉर्ड को भी गौर से छीन लेता है और फिर उस ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड से गौर के ऊपर अब तक का सबसे पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है जिस अटैक से गौर लगभग मरने की हालत में आ जाता है। ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड एक ब्लैक कलर का पावरफुल स्वॉर्ड है जो कि अपने यूजर के लिए लिटरली कुछ भी कर सकता है और यही चीज इस वेपन को मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक बनाती है। तो यही वो 10 सबसे पावरफुल वेपन्स थे जिन्हें गॉड ऑफ थंडर थॉर ने यूज किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं कि आप गौर वर्सेस नल और गौर वर्सेस थानोस में से जिस भी टॉपिक पर बैटल कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ज्यादा लोग गौर वर्सेस थानोस कमेंट करेंगे तो हम वो वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगर ज्यादा लोग गौर वर्सेस नल कमेंट करेंगे तो फिर हम गौर और नल के बैटल कंपैरिजन पर वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक गौर द गॉड बुचर की गॉड बॉम्ब स्टोरी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं और वो वीडियो आपको काफी पसंद आने वाली है क्योंकि उस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे 3 थॉर ने मिलकर गॉड द गॉड बुचर का खात्मा किया। और इनके अलावा अगर आप थॉर से जुड़ी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमने टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एसगार्डियन वेपन्स, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जन ऑफ थॉर और टॉप 10 कैरेक्टर्स हु लिफ्टेड म्यूनिट जैसी कमाल की वीडियोस बना रखी हैं। आपको इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।